दस लोगों के हत्यारे को सजा हुई जब उसकी उम्र 90 साल हो गई और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये वाकया यूपी के फिरोजाबाद शहर का है, जहां के साड़ूपुर गांव में 31 दिसंबर 1981 को 10 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिन्होंने गोली मारी थी उसमें 10 लोग थे, लेकिन 42 साल तक मुकदमा चलता रहा, कोई न्याय नहीं मिला। 10 में से 9 आरोपी जिंदगी जीते रहे, घर परिवार बसाया और मर गए। अब इनमें से सिर्फ एक हत्यारा बचा है जिसकी उम्र 90 के पार हो चुकी है और अब जिला अदालत ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है। क्या दलितों की जिंदगी की यही अहमियत है? क्या ये भारत की लचर न्याय प्रणाली और जातिवादी भ्रष्टाचारी तंत्र की पोल खोलने का मामला नहीं है? क्या इसी तरह से न्याय से वंचित रहेंगे दलित बहुजन समाज के लोग? 10-10 लोगों की जान ले ली गई, उनको गोली मार दी गई। वजह थी कि वो अपने हिस्से का राशन ले रहे थे, लेकिन जो राशन का दुकान का मालिक था उसने उनको गोलियां मार दी, हत्या कर दी, लेकिन इस मामले में 42 साल तक न्याय नहीं मिला। क्या हम इसको न्याय कह सकते हैं? ये न्याय का मजाक नहीं तो क्या है? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करें और हमें फॉलो करना ना भूलें।